हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं प्रिया आपको अपने यूट्यूब चैनल इट्स प्रिया में स्वागत करती हूँ। और मैं आज लेकर आई हूँ अपना लहंगा कलेक्शन। तो मेरे पास जितने भी लहंगे थे उसको मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उसी का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो मैं सोची कि अपना जो मेरे पास लहंगा है उसका मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो बनाकर शेयर करती हूँ। तो मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही सुंदर सुंदर और प्यारे प्यारे लहंगा है। तो मैं आप लोगों के साथ अभी अपना लहंगा जो भी है मैं शेयर करूंगी। तो मेरे ब्लॉग को अंत तक देखते रहिए और पसंद आ जाएगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर जो मतलब इसमें से कौन सा लहंगा आप लोगों को ज्यादा अच्छा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्लीज, क्योंकि बड़ा मेहनत से वीडियो बनाते हैं। आप लोग कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा, तो इसलिए आप लोग बताइएगा कि इन सब में कौन सा लहंगा ज्यादा अच्छा था। तो गाइस अब शुरू करती हूँ आप लोगों के साथ लहंगा शेयर करती हूँ अपना। और मैंने एक गाउन पहन रखा है, इसको आप लोग पहले भी देखे होंगे ब्लॉग में। सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ, ये मेरा लहंगा है बहुत ही सुंदर येलो कलर का। देखिए और मैं फोटो भी लगा दूंगी इसको, इस तरह से है। देखिए इस तरह से है मेरा लहंगा। और इसका यह दुपट्टा है, दुपट्टा इसका हल्का है लेकिन सुंदर है। लहंगा पिछले साल दीपावली में ली थी और तब से रखा हुआ था, फिर तीज के टाइम इसको बनवाई और तीज में पहनी थी इस बार। ऑनलाइन में मंगवाती नहीं हूँ, ऑनलाइन में मुझे लगता है कि पता नहीं कैसा आएगा क्या आएगा, इसलिए मैं ऑनलाइन नहीं मंगवाती हूँ। और उसका ब्लाउज इस तरह से है, बैक में ये है डिजाइन और फ्रंट में ये है डिजाइन ऐसा। और इसके बाजू में इस तरह से दिलवाई हूँ डिजाइन। चला बनाया हुआ था क्योंकि बर्क है तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए उसमें कुछ डिजाइन नहीं डलवाई और यहाँ पर बाजू में डिजाइन डलवाई। और इस तरह से इसका दुपट्टा है। आप लोग बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कि कौन सा लहंगा मेरा अच्छा है। और इस बार तो मेरा तबीयत खराब था तो मैं डांडिया में नहीं जा पाई, पिना डांडिया का पिछला साल खरीदी थी। सबका मैं फोटो लगा दूंगी सारे लहंगे का। पीछे पूरा प्लेन है और आगे में वर्क है, हैवी वर्क है। और इसका दुपट्टा हल्का है, कॉटन का है, एकदम प्लेन है और हल्का है।
क्योंकि लहंगा ज्यादा भारी है तो दुपट्टा मुझे हल्का ही अच्छा लगा। इस तरह से है, प्लेन है। एक ये है जो सबसे हल्का है और सिंपल है, ब्लैक कलर का है और इसका बॉर्डर पिंक कलर का है क्योंकि ब्लाउज भी इसका पिंक कलर का ही है। इस तरह से दोनों लटकन है। और इसका ब्लाउज ये है, पीछे इसका इस तरह से डिजाइन करवाई थी और बाजू में भी इसका डिजाइन है, लटकन लगवाई हूँ और इस तरह से इसका बाजू में डिजाइन है चून वाला और आगे प्लेन है और इसका दुपट्टा इस तरह से है। और एक साड़ी वाला लहंगा है जो मेरी माँ दी थी, मैं सोची लहंगा का दिखाई देगी तो ये साड़ी वाला लहंगा है तो क्या हुआ, अलग है तो क्या हुआ, है तो लहंगा ही, तो इसको भी दिखा देती हूँ। ये साड़ी वाला लहंगा इस तरह से है, आंचल है देखिए, अरे लहंगा वाला डिजाइन है बीच में। और यहाँ पर दिया हुआ है लहंगा बांधने के लिए, यहाँ से इस तरह से ऐसे बांध के बांधते हैं और इधर जो पीछे है लहंगा के पहले वो मैं आप लोगों को शेयर कर दी। अब मेरा काम बढ़ गया, देखिए किस तरह से पूरे बेड पर हो रखा। अब मैं इसको फोल्ड करूंगी अभी सभी को, क्योंकि इस तरह से तो छोड़ नहीं सकती और टाइम भी हो रहा है, जल्दी जल्दी से फोल्ड करना है, फिर खाना भी बनाना है। तो चलिए मैं अपने काम में लगती हूँ। तो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बनाने में कुछ नहीं है लेकिन इसके बाद का जो काम होता है वो सब करने में बड़ा ही मेहनत लगता है। अब ये सब को सारे को अच्छे से फोल्ड करके फिर जहाँ रखना है अरेंज करके रखूँगी सभी को, नहीं तो फिर ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना पूरा बेड पर। तो वीडियो बनाने के पीछे बहुत ही मेहनत लगता है। पहले सबको यहाँ पर लेकर आई इकट्ठा, उसके बाद चलो उस समय तो फोल्ड किया हुआ था, रखी थी तो ठीक था, अभी फिर से वापस ही सबको फोल्ड करना और फिर उसे अपने जगह पर जमाना बड़ा ही मेहनत लगता है। तो इसलिए लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो फिर मैं अब इस वीडियो को यहीं पर यहीं तक रखती हूँ और अब अपने काम में लग जाती हूँ, या सबको फोल्ड भी करना है और फिर खाना भी बनाना है। तो मैं अब आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए और मेरे ब्लॉग वीडियो को देखते रहिए, बाय बाय। तो मैं ये सबको अभी फोल्ड करके अभी सीधे किचन में भागूंगी, बाय बाय, टेक केयर, बार बार बाय बाय बार बार बोल रही हूँ, टेक केयर।